हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित प्रश्नवाली 4.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों प्रश्नवाली 4.3 का पहला क्वेश्चन दिया है, पहला दिया है दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो हमारा पहले का पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 4, अर्थात x और y हमारे कौन कितने चर हैं, दो चर हैं। तो पहला हमारा दिया है x प्लस वाई बराबर 4, अर्थात x और y को जोड़ने पर कितना आता है हमारा 4। तो दोस्तों इस एक प्रकार से हम सारणी बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं, उसमें दो तीन या चार हल करते हैं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था अगर हम x का मान मान लेंगे तो y का मान अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम x बराबर 1 मान लें तो हमको 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 3 हो जाएगा, अच्छा सॉरी 4 हो जाएगा, जोड़ना पड़ेगा 3, तो हो जाएगा 1 3 4। तो इसलिए लिखेंगे x बराबर 1 तो y बराबर कितना होगा हमारा 3। अब फिर देखिए दोस्तों, अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो y का मान अपने आप आ जाए। अब 2 में कितना जोड़े तो y का मान होगा 2, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। अगर दोस्तों हम x बराबर क्या मान लें, 3, x बराबर 3 मान लें तो अब हमको 4 लाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 1, तो कितना हो जाएगा 4। ये हमारे कुछ हल हो गए। अगर हम x का मान मान लेते हैं तो y का मान आंसर अर्थात आ जाता है। तो x प्लस वाई बराबर 4, अगर 1 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, अगर हमारा x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना होगा 2 2 2 4, अगर x का मान 3 होगा तो y का मान कितना होगा 1, क्योंकि 3 1 4 होगा। अब दोस्तों हमको क्या करना है, अभी खींचना है, दिया है आलेख खींचिए। तो दोस्तों एक हम कार्तीय तल खींचते हैं, ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ये हमारी क्षैतिज रेखा। तो दोस्तों ये हमारा यक्ष अक्ष होता है, यक्ष अक्ष, और ये वाई अक्ष, ये वाई अक्ष होता है। इधर नीचे वाला क्या होता है हमारा वाई डैश अक्ष होता है, और ये हमारा यक्ष डैश अक्ष होता है। इधर वाला जो हमारा ऊपर वाला 0 से ऊपर क्या होता है, प्लस में होता है, 0 के नीचे माइनस में, 0 के इधर किस में होता है, प्लस में, और 0 के इधर माइनस में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ देखते हैं सबसे पहले एक्स पे कितना चल रहा है हमको, 1 0 से 1। तो दोस्तों देखिए यहाँ 0 से 1 हमारा यहाँ हो गया। उसके बाद अब वाई पे देखते हैं, अब यहाँ तो ए वाला है तो यहाँ तक हो गया 1, अब हमको चलना है वाई पे कितना चलना है, 3, वाई एच पे कितना चलना है 3। तो 3 कहाँ दिया है, 1 2 3, तो हमारे बिंदु हो गए 3। अब दोस्तों देखते हैं हम एक्स पे कितना चलना था, एक्स एच पे 1, तो हमने 1 चला, अब यहाँ तक 1 हो गया। उसके बाद वाई अक्ष प्लस का 3 चलना है, प्लस का 3 इधर होता है, वाई अक्ष कौन सा होता है हमारी, है जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, और प्लस का 3 कहाँ होगा, तो हमारा 1 2, और ये होगा हमारा 3। तो हमारे निर्देशांक कौन से हो जाएंगे, 1 1 3। अब उसके बाद दोस्तों दूसरे देखते हैं, दूसरे में हमको यक्ष पे कितना अक्ष चलना, यक्ष अक्ष पे कितना चलना है, 2 प्लस का 2 इधर होता है 0 की इधर, तो 0 1 2, ये हमारा प्लस का 2 है। अभी इस पे हमको, अब वाई पे कितना चलना है, वाई पे चलना है 2। अब दोस्तों चलिए हम 2 चलते हैं, 1 2, ये हमारा 2 हो गया। तो हमारा निर्देशांक हो गया कौन सा होगा, 2 2, क्या लिखेंगे, 2 2 2। अब दोस्तों तीसरे में देखते हैं, यक्ष पे चलना है हमको 3, यक्ष अक्ष पे चलना है प्लस का 3। अब हमारा प्लस का 3 कहाँ है, 0 से 1 2 3,
ये हमारा 3 हो गया। अब एक वाई पे कितना चलना है, वाई एक्स पे 1 प्लस का 1। अब दोस्तों प्लस का 1 हमारा कहाँ है, ये प्लस 3, ये 3 हो गया, एक्स एक्स पे हमने 3 चला, उसके बाद वाई एक्स पे कितना चलना, 1, तो ये हमारा 1 हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करते हैं, हमको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स तो निर्देशांक सबसे पहले लिख लेंगे 3, 3, 1, क्योंकि यक्स पे हमने 3 चला और वाई पे 1। तो क्या करेंगे हम, इसको हम सीधे सीधे मिला लेते हैं, सीधे सीधे मिला लेते हैं, ये हमारी रेखा बन गया, ये बन गया हमारा आलेख। अब इसी को हम लिख देते हैं जो दिया रहता है समीकरण, तो इसको क्या कहेंगे हम, यक्स प्लस वाई बराबर 4। अगर दोस्तों आप लोग पटरी से खींचेंगे तो एकदम सीधी लाइन जाएगी, यक्स प्लस वाई बराबर 4। अब दोस्तों हो गए हमारे आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पहले का दूसरा समीकरण दिया है, यक्स माइनस वाई बराबर 2, अर्थात हमको अगर यक्स में से वाई घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो हमने आपको क्या बताया था, या तो वाई का मान मान लेते हैं तो यक्स का मान आ जाता है, या तो यक्स का मान मान लेते हैं तो वाई का मान आ जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर जब हमें अगर यक्स मान यक्स बराबर क्या मान ले 3, तो हमको वाई बराबर कितना, तो वाई बराबर कितना आएगा, 1, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा, 2। तो इसलिए लिखेंगे हम, अब यक्स बराबर 3 मान लेते हैं, यक्स बराबर 3, तो वाई का मान हमारा आ जाएगा 1। अब दोस्तों फिर देखिए यहाँ, अगर हम यक्स बराबर 4 मान लें, कितना मान लें, 4, तो वाई का मान कितना होगा, अगर जब यक्स का मान हम 4 मानेंगे, 4, तो इसका मान आएगा 2, तो 4 में से 2 जाएगा, वाई का 2, तो जब यक्स का मान 4 मानेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 2, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 गए 2। अब ज़रूरी नहीं कि आप लोग इसी यही मान रखें, आप जो चाहते हैं, आप जो मान रखना चाहते हैं रख सकते हैं, बस बसरते यही है कि इस यक्स माइनस वाई बराबर 2 जो इस मान को संतुष्ट करता हो। अब दोस्तों चलिए देखते हैं, अगर यक्स बराबर हम 5 मान लें तो वाई का मान कितना आएगा, 3, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा 2, तो लिखेंगे यक्स के मान, लिखेंगे यक्स बराबर 5, तो वाई बराबर 3, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा आएगा 2। अब दोस्तों चलिए इसको आलेख पे हल कर लेते हैं, ये हमारी जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसको क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं इसको, क्षैतिज रेखा, ये वाई अक्ष है हमारा, ये पूरा ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश है, ये यक्स अक्ष है, ये यक्स डैश है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या देखते हैं, यक्स अक्ष पे कितना चलना है, प्लस का 3, किस पे चलना है, प्लस का 3। अब हाँ यक्स अक्ष हमारा कौन सा होता है, ये प्लस का 3, 1, 2, 0 से 1, 2, 3 यहाँ तक हमने चला, उसके बाद वाई पे कितना चल रहा है, 1। अब दोस्तों एक कहाँ है हमारा, 1 यहाँ है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे, सबसे पहले यक्स का मान लिखते हैं, यक्स का मान कितना है, 3, 1। अब फिर उसके बाद दोस्तों देखते हैं, अब यक्स पे हमको कितना चलना है, यक्स अक्ष पे 4 चलना है, तो 0 से 4, 1, 2, 3, 4, ये हमारा यक्स अक्ष पे 4 चलना है, ये 4 तक हमने चला, उसके बाद वाई एच पे कितना चलना है, प्लस का 2। अब 2 हमारा कहाँ है, ये 2 है हमारा, तो 1 और ये हमारा 2 हो गए, तो इसका निर्देशांक कितना हो गया, क्या सबसे पहले लिखते हैं यक्स अक्ष का, तो 4, 4, 2। उसके बाद दोस्तों अब इसका देखते हैं, अब यक्स अक्ष पे हमको प्लस का 5 चलना है, प्लस का 5 हमारा कहाँ है, ये है 0 से 5, यहाँ है, यहाँ तक हमने चला यक्स अक्ष पे, अब वाई अक्ष पे कितना चल रहा है हमको, प्लस का 3। अब ये प्लस का 3 हमारा कहाँ है, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया हमारा कहाँ तक चल रहा, 3, तो ये हमारा हो गया 3।
कौन सा होगा? 3। अब दोस्तों इसके निर्देशांक हो गए इस वाली बिंदु के, सबसे पहले 5, किसका मान लिखते हैं? यक्स का 5, निर्देशांक लिख रहे हैं 3, वाई का निर्देशांक। अब दोस्तों हमको क्या करना होता है, एक हम रेखा खींच लेते हैं सीधी पटरी की सहायता से, तो जो हमारे एकदम सीधी रेखा खींचते हैं हम, तो हमारा तो यही बस यही जो हमारी रेखा है, कौन सी रेखा है? यक्स माइनस वाई बराबर 2, यक्स माइनस वाई बराबर 2। बस दोस्तों यही हमारा क्या हो गया, आलेख खींच दिया हमने, क्या खींच दिया? आलेख। बस यही हमारा हो गया आंसर। दोस्तों आप लोग मान कुछ भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही मान मान लें आप लोग। हमको यक्स माइनस वाई अर्थात यक्स में से या यक्स और वाई को घटाने पर 2 आ जाए, बस कोई ऐसा मान रखें कि यक्स और वाई को घटाने पर 2 आ जाए, ज़रूरी नहीं कि मान आप लोग सेम ही रखें। दोस्तों प्रश्न वाली 403 का पहले का तीसरा समीकरण दिया है वाई बराबर 3x। हमने पिछले अध्याय में आप लोगों को क्या बताया था, जिस चर का गुणांक होता है उसके बराबर हम किसी कोई भी मान मानते हैं तो हमारा आंसर आने में आसानी होती है। तो अब यक्स का गुणांक 3 है, तो अगर यक्स बराबर इसके बराबर यक्स के बराबर हम कुछ भी मान मानते हैं तो उत्तर लाने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर हम यक्स बराबर क्या मान लें? 0। तो अगर यक्स बराबर मान लें 0, तो 0, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3 0 0, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यक्स बराबर क्या माना हमने? 0, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 0। फिर देखिए अगर हम यक्स बराबर 1 मान लें, 3 × 1, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? वाई बराबर 3 × 3, तो यक्स बराबर कितना माने थे हम? 1, और वाई का मान कितना आ गया? 3। अब फिर देखते हैं अगर यक्स बराबर हम 2 मान लें, यक्स बराबर 2, 3 × 2, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? वाई बराबर हो जाएगा 3 × 6, तो वाई बराबर कितना माने, यक्स बराबर कितना माने थे हम? 2, वाई बराबर कितना आ गया? 6। अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसको आलेख पे, आलेख खींचते हैं। तो हमारा यक्स डैश हो गया, ये यक्स हो गया, वाई है, ये वाई डैश है। तो सबसे पहले हमको चलना है यक्स बराबर चलना 0, और यक्स यक्स पे कितना चलना? 0। तो 0 पे चलना, 0 पे हमको जब 0 दिया होता है इसका मतलब होता है हमको किसी मतलब चलना नहीं है, और वाई बराबर 0 दिए कोई नहीं, तो हमारा क्या होता है यहाँ, ये पूरा हमारा होता है 0, 0, निर्देशांक होता है ये पूरा 0, 0। अब उसके बाद दिया है, इसमें देखते हैं दूसरे को ब्रेकर में, दूसरे खाने में देखते हैं यक्स पे चलना है हमको 1, कितना चलना है? 1, तो हमारा 1 यहाँ दिया है। उसके बाद फिर वाई पे चलना है प्लस का 3, तो वाई पे कितना चलना है? प्लस का 3। अब 1 चला, इसके ऊपर 3 चलना है, तो ये होगा 1, 2, और ये हमारा हो गया 3। तो हमारे निर्देशांक हो गए 1, 3। उसके बाद इस वाले कोष्ठक में देखते हैं यक्स पे कितना चलना है? प्लस का 2। अब ये हमारा प्लस का 2 यहाँ है, उस अब इस पे हमको चलना है, अभी यक्स पे 2 चले, उसके बाद वाई पे कितना चलना है? वाई पे चलना है हमको 6। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, और ये हमारा क्या है? 6। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि पटरी की सहायता से एक सीधी सीधी हमको बिंदु से हमारी लाइन जाती है, तो ये हमारी कौन सी रेखा बन गई? वाई बराबर 3x। क्या लिखेंगे? वाई बराबर 3x, और ये हमारा वाला ये निर्देशांक कितना बनेगा? 2, 6। अब दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों पहले का चौथा क्वेश्चन दिया है 3 बराबर 2x प्लस वाई, हमको समीकरण दिया है।
तो हमने आपको बताया था कि जो जिसका चर जो जिस चर का गुणांक होता है उसको उसके बराबर हम मान मानते हैं, तो हमारा मान ज्ञात करने में आसानी होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर x बराबर हम 0 मान लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 3 बराबर 2 गुणे 0 प्लस वाई। अब दोस्तों 3 बराबर 2 0 0, अब वाई बचा केवल, तो वाई का मान कितना आ गया 0। तो x बराबर क्या माने थे हमने 0, तो लिख लेंगे 0, और वाई का मान कितना आ गया 3। अब फिर देखते हैं दोस्तों, अगर हम यक्स के स्थान पे एक मान लें, क्या मान लें, एक एक मान लेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा 2 1 2, अब ये 3, 2 1 2, अब ये 2 प्लस का होगा, इधर जाएगा माइनस का होगा 2, माइनस का होगा 2 बराबर क्या बचा वाई। अब 3 में से 2 जाएगा तो आएगा 1, तो वाई का वाई बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1। तो यक्स बराबर क्या माने थे हमने 1, तो लिखेंगे 1, वाई का मान आ गया केवल 1। अब फिर देखते हैं, अगर हम यक्स बराबर क्या मान ले, कुछ भी मान ले कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यक्स बराबर हम 2 मान ले, क्या मान ले 2, 2 कोई भी संख्या मान सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, बस बसरते ही सेक्स हमारी सभी शर्तों को संतुष्ट करता हूँ। तो यक्स बराबर 2 मानते हैं हम, तो 3, अब 2 दूनी 4, इधर 4 प्लस का है, इधर जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 बराबर वाई। अब दोस्तों 4 में से 3 जाएगा तो आएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस का माइनस वाली संख्या बड़ी है, वाई का मान आ गया माइनस का 1, और यक्स बराबर कितने माने थे हमने 2, तो इसमें लिखेंगे 2 और इसमें माइनस का 1। अब चलिए दोस्तों इसको आलेख खींचते हैं, तो एक आती तल हो गया, एक्स अच्छा है वाई अच्छे, तो सबसे पहले देखते हैं यक्स अक्ष पे दोस्तों हमको कितना चलना है, 0। तो 0 का मतलब होता है किसी भी हमको कहीं भी चलना नहीं है। उसके बाद वाई पे कितना चलना है, 3, तो वाई हमारा कहाँ है, ये 3 3, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, लिखेंगे 0, 3। इस 0 का मतलब किसी भी चलना है। उसके बाद अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यक्स पे हमको चलना है 1, तो 1 तो यहाँ से हमने 1 यहाँ तक चला, उसके बाद वाई पे चलना है प्लस का 1, अभी हमारा हो गया 1, तो निर्देशांक कितने हो गए हमारे, 1, 1, 1, 1। अब उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम, चलना है यक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे माइनस का 1, तो सबसे पहले यक्स अक्ष पे हम चलते हैं, यक्स अक्ष पे चलना है हमको 2, तो ये हमारा 2 यहाँ है, उसके बाद वाई अक्ष पे चलना है माइनस का 1, तो ये 2 हो गया, माइनस का 1 हमारा कहाँ है, ये है हमारा माइनस का 1। अब दोस्तों देखिए, हाँ हम 0 से चला, 0 का मतलब कुछ ही कहीं भी नहीं चलना है, उसके बाद वाई पे चलना है 3, तो 3 हमने चला वाई पे, उसके बाद फिर क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यक्स अक्ष पे हमको चलना है 1, तो 1 चलना है 1, एक यहाँ हमने चला 1, उसके बाद वाई अक्ष पे चलना है 1, तो हमारा 1 हो गया, इसको निर्देशांक लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है हमको, फिर चलना है यक्स अक्ष पे 2, तो यक्स अक्ष पे हमको 2 चलना है, उसके बाद वाई अक्ष पे चलना है माइनस का 1, तो वाई अक्ष पे माइनस का 1 कहाँ है हमारा, यहाँ है। अब उसके बाद इसे सीधी हम रेखा एक मिला देते हैं पट्टी की सहायता से, तो ये हमारा बन गया, तो हमारा समीकरण बन गया, ये रेखा है 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो दोस्तों इसी तरह से हमको सभी क्वेश्चन को हल करना था। इसको पटरी की सहायता से जब आप लोग सीधी रेखा खींचेंगे तो सीधी एकदम बनेगी। दोस्तों प्रश्नवाली 403 का दूसरा क्वेश्चन दिया है बिंदु 2, 4 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखना है। कितने रेखाएं के, 2 रेखाओं के, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, तो दूसरा दिया है बिंदु 2, निर्देशांक दिया 2, 14,
2, 14 तो हमको दो समीकरण बनाना है। चलिए हम पहला समीकरण बना देते हैं। अगर इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। अगर x प्लस वाई अर्थात 2 और +14 कितना होगा 16। तो दोस्तों हमारे समीकरण बन गए। तो एक हम सारणी बना लेंगे जिस तरह से पहले क्वेश्चन में बनाया था। चलिए ये हमारा x हो गया और ये वाई। अभी एक समीकरण बनाए हैं हमने, कोई भी हमको कितने समीकरण बनाने हैं, 2। दोस्तों हमारा समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 16। अगर x बराबर हम क्या मान लें 2, तो y बराबर कितना आएगा 14, क्योंकि 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, तो 2 और हो जाएगा 14। अब दोस्तों x बराबर हम मान लेते हैं 3, तो y बराबर कितना मानना पड़ेगा 13। कुछ भी मान सकते हैं, बस इससे शर्त इतनी है अगर हमारे समीकरण संतुष्ट होने चाहिए। अगर x बराबर हम मान लेते हैं, चलिए हम 10 मान लेते हैं, तो y बराबर कितना मानना पड़ेगा, तो y बराबर कितना आएगा 6, क्योंकि 10 6 16। अब चलिए इसको आलेख पे खींचते हैं। तो हमारा उज्ज्वल कार्तीय तल हो गया। अब यक्ष अक्ष पे हमको चलना है 2, तो हमारा 0 से लेकर 2 तक चल रही हमने। उसके बाद अब इसी पे हमको चलना है y पे 14, तो ये होगा 1 2 3 4। आप लोगों को पटरी की सहायता से सीधी सीधी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गए हमारे 14। इसका निर्देशांक लिख देंगे 2, 14। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। x पे चलना है हमको 3, तो हमारा 3 यहाँ है 3। अब इसी पे हमको चलना है, y पे चलना है 13, तो हमारा 13 कहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 13 यहाँ दिया है, 13 ये दिया है 13। उसके बाद फिर इसका निर्देशांक हो जाएगा 3, 13। अब फिर देखते हैं दोस्तों, अब चलना है हमको यक्स अक्ष पे 10, तो यक्स अक्ष पे 0 से लेकर हम 10 यहाँ तक चले। उसके बाद वाई अक्ष पे कितना चलना है हमको 6, तो हमारा 6 कहाँ दिया है, 6 दिया है यहाँ। देखिए हो गए 1 2 3, यहाँ से मिलाते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ ये यह हमारा यहाँ आएगा, ये 6 हो गया, क्या हो गया 6। अब दोस्तों इसी को हम मिला देंगे इसको, सॉरी ये हमारा 10 यहाँ आएगा, तो इसी को ऐसे सीधे मिला देंगे। तो आप लोगों को सीधे सीधे मिलाना है, आपको सीधे सीधे, हमने तो ऐसे ही बिना पट्टी से मिला दिया, लेकिन आप लोग जब पट्टी की सहायता से मिलाएंगे एकदम सीधी पाई जाएगी। अब दोस्तों चलिए दूसरे समीकरण बनाते हैं और रेखा खींचते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा समीकरण बनाते हैं हम, 7x - y बराबर क्या मान लें 0। चलिए दोस्तों देखते हैं 0 आता है नहीं। अगर 7 × x का मान कितना है 2 - y = 14, तो 7 × 14 और बराबर 0 दिया है, इसके बाद ये माइनस का 14 = 0, तो 14 में से 14 जाएगा 0 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए हाँ, अगर x बराबर हम 7 x = 1 मान लेते हैं, 7 × 1 - y = 0, तो 7 + 7, अब ये माइनस का वाई है, इधर चला जाएगा प्लस का वाई हो जाएगा, तो वाई का मान कितना आ गया 7। तो लिखेंगे यक्स बराबर कितना माने थे हमने 1, और वाई बराबर कितना आ गया हमारा 7। अगर यक्स बराबर हम 2 मान लें, क्या मान लें 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 7 × 14 माइनस का वाई बराबर 0। अब 14 - बराबर, अब वाई माइनस का वाई इधर जाएगा प्लस का वाई हो जाएगा, तो वाई का मान आ गया 14। तो यक्स बराबर क्या माने थे हमने 2, तो 2 लिख देंगे और वाई का मान आ गया 14। अब दोस्तों चलिए इसको भी हम इस वाले आलेख पे रखते हैं।
तो दोस्तों हमको चलना है यक्स पे, चलना है एक। यक्स पे कितना चलना है? एक। तो दोस्तों एक तो हमारा यक्स अच्छे हमारा होता है, एक चल दिए। उसके बाद वाई पे चलना है हमको प्लस का सात, तो ये हमारा प्लस का सात यहाँ दिया है, एक पे लिखेंगे प्लस का सात ए है, तो इसके निर्देशांक लिख देंगे हम। तो इसके निर्देशांक हो गए प्लस का सात, किसके निर्देशांक हो गए एक कॉमा सात। अब दोस्तों फिर दिया है हमको, दिया दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दो पहले एक्स पे चलना है हमको दो, तीस यहाँ तक तो हमने चला दो। उसके बाद फिर कितना चलना है? वाई पे चलना है चौदह। चौदह हमारा कहाँ दिया है? चौदह दिया है यहाँ, ये हमारा चौदह दिया है। अब दोस्तों इसको भी हम सीधे सीधे ऐसे मिला देंगे, या ऐसे सीधे सीधे, तो हमारी तो ए वाली हमारी रेखा कौन सी बन गई? यक्स प्लस वाई बराबर सोलह, और ए वाली जो रेखा जा रही है हमारी सात यक्स माइनस वाई बराबर जीरो। दिया है तो दोस्तों तो क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों जैसे कोई बिंदु हमारी दी है, ये मान लीजिए एक बिंदु है, तो इसमें कितनी रेखा खींची जा सकती हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो दोस्तों हम लिखेंगे दो, कितनी कामों रेखा खींची जा सकती हैं? अनंत का रेखाएं, तो लिखेंगे दो बिंदु दो कामा चौदह, दो कामा चौदह से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं होंगी। दोस्तों हो गए हमारे आंसर प्रश्नवाली 403 का। दोस्तों अगला क्वेश्चन वीडियो पार्ट टू में सॉल्व करूंगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।